पश्चिम बंगाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि पांचवें चरण का मतदान जारी हो गया है। बंगाल विधानसभा के लिए मतदान आज शुरू हो चुका है। आज पांचवें चरण में 45 सीटों पर मतदान होना है और उसके चलते मतदान शुरू हो चुका है। सुबह से ही 6 जिलों में 342 उम्मीदवार मैदान में है। 342 उम्मीदवारों के आज किस्मत ईवीएम में कैद होगी। बूथ के बाहर वोटर्स की कतारें लगी हुई है। तो पश्चिम बंगाल से इस वक्त की बड़ी खबर, शाम 6:30 बजे तक का मतदान होगा। मतदान शुरू हो चुका है, पांचवें चरण का ये मतदान हो रहा है। आपको बता दें कि 6 जिलों में 342 उम्मीदवार मैदान में हैं। तो पश्चिम बंगाल से इस वक्त की बड़ी खबर, बंगाल विधानसभा के लिए मतदान शुरू हो चुका है, पांचवें चरण का ये मतदान हो रहा है, जो कि 45 सीटों पर मतदान हो रहा है और ये पांचवें चरण का मतदान है। बूथ के बाहर कतारें लगी हुई हैं, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। 6 जिलों में 342 उम्मीदवार मैदान में हैं। 342 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। और जिस तरीके से लगातार 4 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, पश्चिम बंगाल का जिक्र किया जाए तो हमेशा से लेकर के सुर्खियों में रहने वाली पार्टी, चाहे टीएमसी या भारतीय जनता पार्टी को लेकर के जिक्र किया जाए, हमेशा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा। और आज एक बार फिर से पांचवें दौर का ये मतदान जारी हो चुका है, पांचवें चरण का मतदान जारी है और 45 सीटों पर यह मतदान हो रहा है, जिसमें 342 उम्मीदवार मैदान में हैं। आपको बता दें कि 6 जिलों में 342 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला आज वहां के वोटर, वहां के मतदाता ईवीएम में कैद कर देंगे। तो शाम 6:30 बजे तक मतदान होगा और आज मतदान शुरू हो चुका है, पांचवें चरण का ये मतदान है। 6 जिलों में 342 उम्मीदवार मैदान में हैं और मतदान शुरू है। बूथ के बाहर मतदाताओं की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। पांचवें चरण का ये मतदान है और 45 सीटों पर आज मतदान शुरू हो चुका है पश्चिम बंगाल की। बूथ के बाहर वोटर्स की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। मतदाता मतदान करने के लिए बूथ के बाहर सुबह से ही पहुंच गए हैं और लंबी लाइनें लगी हैं। लोगों में उत्सुक है मतदान करने का, क्योंकि जिस तरीके से लगातार मतदान का ग्राफ देखा जाए तो देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।